साथ साथ नमस्कार। मैं जनाब हुसैन इब्ने खालू की वसादत से, इनकी मीडिया के वसादत से आज के इस प्रोग्राम के आखिरी जो कुछ मुद्दे थे उनको आपके मीडिया के तहत एक ऐसे लम्हे में पेश करना चाहूँगा। उम्मीद बहुत था, लंबा चौड़ा उम्मीद था, लेकिन कुछ ऐसी ही अमरजेंसियां आ गया, जल्दबाजियां आ गया कि खिलते गुलाब का उजड़ते पत्तों को देखकर दिल दुख रहा था। खासकर मिस नेहरिका अरोड़ा जी, जो चंद दिनों से अपने कीमती वक्त को, प्रेशस से प्रेशस टाइम को इन प्यारे बच्चे और बच्चों के जिंदगी को संवारने के लिए वकूफ कर रही थी, तहे दिल से मशगूर हैं। और बीडीसी साहिबा नमो सैदा साहिबा भी जी जान से कोशिश कर रहे थे कि इस प्रोग्राम को आगे तक ले जाने में बड़ी अच्छी सहयोग दे रहे थे। जनाबे वाले, ये टूरिज्म की जानिब से, खासकर करगिल टूरिज्म डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से, और शब्द मत से इसमें हिस्सा ले रहे थे शकर चिकतन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी, और उनको चार चांद लगाने के लिए प्यारे प्यारे बच्चे और बच्चियां बहुत ही जोश वखरूश के साथ इसमें पार्टिसिपेट हुए हैं। और अपनी जज्बात के साथ जो कुछ इससे पहले भी दो मेहमान मिस्टर अभिनव कुमार सर और मिस अनुभव कुमार सर और मिस परिश्मा, तो ये दोनों जा चुके हैं। जहां तक हो सके इन बच्चों की जानिब से उनको अपने हिसाब से जितनी चादर उतनी पाँव के हिसाब से उनको सेवा किया है, लेकिन बड़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा हूँ कि नेहरिका मैडम की सबाकत में ये बच्चे बहुत अच्छे, ऐसे अहमियत जिनको शायद इन चंद दिनों में ही इन्होंने हासिल किया है, और उनको ये भी पता चला है कि हम कहाँ तक, खासकर यहाँ पर फोटोग्राफी ऑडियोग्राफी और यहाँ हॉस्पिटैलिटी, ऐसे बहुत सारे ऐसे ऐसे अच्छे अच्छे बिल्कुल फैजाब चीज़ें जो है इनसे प्राप्त हुए हैं इन बच्चों को। तो उम्मीद करते हैं कि आज एक बड़े ही उम्मीद के साथ हमने एक अच्छा सा प्रोग्राम रखना था, जल्दबाजी में मैडम साहिबा को जाना पड़ा, तो यह थोड़ा सा ही सादगी के साथ हमने ये अख्तितामी प्रोग्राम यहाँ पर रखा है। सबसे पहले मैं दावा देना चाहता हूँ मैम वेलकम स्पीच के लिए जनाब अमन अली खान साहब को, जो शकर चिकतन टूरिज्म डेवलपमेंट कम्युनिटी के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी सरबराही में बहुत सारे प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद किया भी है, और उम्मीद करते हैं आगे भी ऐसे ही प्रोग्राम, अच्छे अच्छे फैजाब प्रोग्राम यहाँ पर मुनाकिद करेंगे। तो जनाब वाला यहाँ आकर यहाँ पर तशरीफ लाए हुए खासकर मीडिया वाले और मेहमान खसूसी दिगर मिस नेहरिका सभी का थोड़ा स्वागत करें और उनकी खुशामद करें। और उससे पहले बीडीसी साहिबा को आज की चेयरमैन की हैसियत से, मेहमान खसूसी चीफ गेस्ट की हैसियत से रिवायती खिताब पहनाकर उनका स्वागत करें। शुक्रिया हमारे लिए। बम नशीजनंग डर नशीजनंग तशीस पगोस तशीस खिताब नमशास पो यादब और गुलदब फराफ चंची यर्रफ चंची यूर्रफ चंची चिकन इसका जानू इब्न खलू मतराई लड़के वेरी है पिशुपर अचोजिन स्मूलपोर नुशीज बेरगुन रहमा इब्न खलू अंदाव चोला जवानी करुशी दुआ इनकी पाँ जवानी करुशी दुआ ने बनता हूँ वेलकम सिपीस को नून अमन अली खान सारी मेहरबानी। माय वर्ल्ड चीफ गेस्ट मिस सैलवानु बीडीसी शकर चिकतन एंड चेयरमैन शकर चिकतन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी मिस नेहरिका इत्ती इस प्लाजा और एंड ऑल सरपंच साहब और खासकर कई टुडे मीडिया के डायरेक्टर खालू साहब एंड ऑल पर्सन
मैं आप लोगों को बहुत मशकूर हूँ और आभारी हूँ कि आप लोग अपना कीमती वक्त से कुछ समय निकल कर यहाँ तशरीफ लाए, खासकर निहारिका मैडम का कि आपने अपना कीमती वक्त से कुछ समय निकल कर हमें टाइम जो और इन दिल्ली से हम तशरीफ लाए हमारे बच्चों का सिखाने के लिए। साथ साथ इस वक्त वो नॉट ऑन मैप का डायरेक्टर साहब कुमार अनुभव और प्रेस मेहता दोनों ने वर्कशॉप करके चला गया, उनका भी हम मशकूर हूँ। इस वर्कशॉप का करने का मकसद ये था कि शक्तिकर्ता में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए, शक्तिकर्ता को टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए हमने यहाँ पर पंचायत लेवल पर ब्लॉक सब डिवीजन लेवल पर हमने कमेटी प्लान किया है जिसके चेयरमैन बीडीसी साहब हैं और इनमें सभी काउंसलर साहब और 5 सरपंच और जो यहाँ के एनजीओ वॉलंटियर्स ये लोग भी हैं, इसमें मेंबरशिप इसमें ऑटोमेटिकली अपने टेन्योर के समय रहेगा, इसके बाद अपना जो है जैसे कि ओहदा छोड़ने के बाद ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो हम सब ने ये फैसला लिया इसको यहाँ पर टूरिज्म अट्रैक्ट करने के लिए, हमने महसूस किया क्यों ना हम यहाँ पर भी टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ मिलकर हम एक वर्कशॉप चलाए, हम इसको चलाने के लिए टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल का हस्ता साहब का बाकी अपना सेक्रेटरी साहब के डायरेक्शन पर हम कच्चू महबूब साहब के डायरेक्शन पर हम इसको कर रहे हैं। ये वर्कशॉप जो है जिसमें हमने हॉस्पिटलिटी कम्युनिटी टूरिज्म और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का हमने कैंप चलाया था, इस कैंप जो कैंप 25 तारीख से आज 29 तारीख 5 दिन का था, इसमें दो दिन हॉस्पिटलिटी और कम्युनिटी टूरिज्म का भी था और साथ साथ हमको एयर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का था और आज इसका समापन समारोह हो रहा है और खुशी की बात भी है अफसोस भी है। आज हम इसी दिन ट्रेकिंग रूट का ओपनिंग भी करा था जिसमें हमने टूरिज्म सेक्रेटरी को इनवाइट करना था, बदकिस्मत टूरिज्म सेक्रेटरी साहब यहाँ आ नहीं पाया इसलिए हमने इसको थोड़ा डिले कर दिया, उम्मीद है कल परसों तक यहाँ पर ट्रेकिंग रूट का भी ओपनिंग हो जाएगा। मिन्नू और प्लस युवाओं से आर्यन वैली मिल जाएगा तो इसमें अभी आप लोग सभी पार्टिसिपेट करेगा और इसके बाद ज़्यादा मैं समय ना लेते हुए आप सबों का एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद वालिया तकरीर कर रहे थे नोनो अमन अली खान सर, तो इसके बाद जहमत देना चाहूँगा बीडीसी मैडम सईदा बानो को कि आप यहाँ तशरीफ लाए, वक्त का ख्याल रखते हुए मैं थोड़ा शर्ट करके ला रहा हूँ, मेहरबानी मैडम यहाँ आकर आप अपना जरीन ख्याल से सभी को नवाजें। Mrs. Neha Arora, Hussain Khalu Sahib and all participants, Assalamu alaikum. So, MashaAllah, Madam ka shukriya ada karti hoon main. Aap itni dur se yahan pe aaye, is ke liye main bahut shukr guzar hoon. Maafi main apni bhasha mein bolungi, aap pura maaf karna mera. Baki yantan sangma shukriya ente diyan, jaise participant ne yantan diyan 5 din po jante jaise ke जहमत बस दिया यूँ से हिंदुस्तान से मेहनत बस यूँ जस एंता शुक्रिया, लेकिन दिया 5 दिन वर्कशॉप से जस दिया ना एंतेज एंदा यो मी सालो ने अनु एंतेज दी फायदा हो दे अस्तन मरगोशन बाकी दी वर्कशॉप चीफ यम इन निर्बत होला फे इन फेस पिन दशर को टूरिज्म डेवलपमेंट करगिल ना इन इंक्लूशन सकाचिकतन टूरिज्म डेवलपमेंट कमिटीज यंबल लोग से सुखन इन बाकी यंता जी यानो फोटोग्राफी चल आईडो एडिटिंग पर फोटो दोन सा गामा यंता सब लेकिन दी यानो ना गति दिया हर घर महल्ले अंगा गया जी जी यो ना दो यंते फोटो चलते मेरे भी जानता है यानो फेसबुक ना देख अच्छी तरह से गति यानो टूरिज्म पर डेवलपमेंट में फिर दो यंते से सब लोग यंते मेहनत बसे दी 5 दिन कोर्स पर यंते फायदा बचा बाकी गति रहा हूँ मैं गच्छो से वीडियो चलना रही चीज़ गति रहा हूँ दर्शन नापसे वापसे नापसा ताऊ चलना दे चाम से इस तां यही कहना थी हमारे चले सुने नहीं मैं दो चाऊ फुटी चलते रूम वैसे दो यंता स्टाफ से दे दो चोल चलता हूँ चलना थी हर टाइम टाइम गति ला जाऊँ मैं दे दो चोल सांग वीडियो चलते दो ना
And this video to Anyan Chayitu. Mapping out to San Secretary Kachu Mahabuba Shukuria Zare, because the Protestants, the teachers, the radio, and dance, they are to them, Avataza, Shukuria Zare, they are a Mary Mashukuria Zare, in the Tavin, and they are successful. Baki, Najam, and time, Tiwaka Bolemi, and that's all is the Bassi, the young Mary Makore Bassi. मासे वाले बना खिसा सुंगा चपचास दिमाग दिया था पे तमले लेहजार नोनो ना नमो न्यानो गातो तो लोप दूची करते हो ना गातो दिन सांपे शेष इच्छा में जानता लोप से ना तो देश बोला मलखा ने चाहे गुमो उछावन याने या क्यों उछावन याने जिस चीज का तो मलखा ने था तो दी गज को नरबानी रान चुकसंस पो मन चुपाजा मातीस करे ना अमल नाली इंग्लिश का मोल नाली हिंदी का मोल नाली उर्दू का मोल नाली सिर्फ फर्सी नार भी चाहता हूँ बचा मैं पीने स्पाया बाकी नजीक का मोल नाली मोल का नेता अस्सलामुअलैकुम जुलेत हमाला फर्स्ट ऑफ़ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक्स मिस निहारिका मैम अलोंग विद अनुभव सर एंड मिस प्रश्मिता मैम they have taught us and sorry I forgot to mention UT Ladakh UT Kargil tourism and the committee which has been just formed in Chiktan on the first day I didn't know that there was this you know workshop going on I got to know it from her blog only on Instagram these days we are like so active so through her stories I got to know that she is a you know photographer and a vlogger and she herself told me that there's this workshop going on in this higher secondary school then I came here and I really liked the workshop in these days though I haven't attended the first day magar jab se maine attend kiya mujhe bahut acha laga bahut achi experience rahi aur khaskar jo video aur photography ka session hua tha usme I have learned many things. मेरी फोटोग्राफी का स्किल अभी मैम ने भी बोला है कि बहुत इम्प्रूव हुआ है इंशाल्लाह इससे भी अच्छा इम्प्रूव होगा और इसके साथ साथ जितने टूरिज्म के मकसद को भी पूरा करते हुए लाइक जब इनको ज़रूरत होगा हमारी फोटोग्राफी और टूरिज्म यहाँ चिकतन के वैली को एक्सप्लोर करने हैं तो हम वहाँ पर भी अपना कंट्रीब्यूशन देंगे एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू मैम ग्रेटफुल दैट यू केम हियर और सबको भी आप लोगों को भी कि हमने इतने अच्छे नए नए दोस्त बनाए आप we'll stay in touch and we'll do something for our Chiktan. Thank you. कोई तिरछी आंखों से यही कह रहा था मैं भी तिरछी आंखों से देख रहा था आए थे हम मिसले बुलबुल सेरे गुलशन कर चले ले लो माली बाग अपना हम तो अपने घर चले ये नहरिका मैम की आंखियां बोल रहे थे मैंने बांध लिया ए दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले हम रह गए अकेले नहीं बोलूंगा क्योंकि यहाँ खालू साहब बैठा हुआ है यहाँ मैडम डीसी साहब बैठा हुआ है फिर भी यही आपको मेरे तरफ से ये है तो नहरिका मैम अपनी ऐसे गुलाब की पंखियों जैसे लबों को हिलाकर इन बच्चों को और भी थोड़ा आगे बढ़ाने में सहयोग दीजिए खुशी के साथ अपने शब्दों से हमें नवाजे मेरा वादा था आपको दुल्हन की तरह सजा कर डोली में बैठा कर आपको विदा करना था लेकिन ये फर्ज निभाने में मैं फेल हो गया दिल से माफी चाहता हूँ वक्त रहा समय रहा जीवन रहा तो मैं अपने पलकों पे बैठा कर आपको फिर से दुल्हन बना दूंगा इंशाल्लाह ये मेरा उम्मीद शुक्रिया आप यहाँ आकर अपनी हेलो थैंक यू फॉर कमिंग टुडे एंड फर्स्ट जब मैं पहली बार चिकतन आई थी बहुत लाइक 10 मिनट 15 मिनट के लिए आई थी विंटर कॉन्क्लेव के टाइम पे दूसरी बार चिकतन आई फिर 10-15 मिनट के लिए आई और तीसरी बार चिकतन आई तो हफ्ता यहाँ पे रुकी मेरी कारगिल में पहली वर्कशॉप हुई थी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी के लिए एंड उसके बाद आई एम सो ग्लैड कि मैं यहाँ पे इनवाइट करी गई यहाँ के बच्चों को सिखाने के लिए मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे इस चीज़ इस आर्ट को लोग इतना वैल्यू करेंगे और यहाँ पे वैल्यू भी है एंड आई एम ग्लैड कि ये वैल्यू लोग समझते हैं
पहला दिन जब वर्कशॉप हुआ हमारा हॉस्पिटैलिटी कम्युनिटी टूरिज्म पे, कोई और आने वाला था आपको सिखाने, बट कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं आ पाए, तो आई इनवाइटेड अनुभव सर एंड परिश्मिता मैम फ्रॉम नॉट ऑन मैप. तो उसका फ़ायदा ये हुआ कि आपको नॉट ओनली अबाउट होम स्टेज के बारे में सीखने को मिला जो उनका फोर्टे है, बट उनका जो दूसरा स्किल है जो कि है कम्युनिटी टूरिज्म बिल्डिंग, उसके बारे में भी सीखने को मिला, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूरिज्म. उसके बाद कमिंग टू आर वर्कशॉप, फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी, ये भी एक टूरिज्म का बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है. आपका टूरिज्म विदाउट डॉक्यूमेंटेशन के ग्रो नहीं हो सकता. सो आज ही हम लोगों ने एक फेसबुक पेज बनाया है शकर चिकतन कम्युनिटी डेवलपमेंट टूरिज्म लद्दाख के नाम से फेसबुक पर. आई थिंक वो एक स्टार्टिंग होगी टूरिज्म को और चिकतन को मैप पे लाने की. तो आप लोग उसमें एक्टिवली पोस्ट करना और सबको इनवाइट करना, आपके जो जो लोग बाहर पढ़ते हैं दिल्ली में, चंडीगढ़ में या जम्मू में, अपने फ्रेंड्स को आप बता सकते हो आपको यहाँ पे पता है कि आपके पास कौन से होम स्टेज है, कहाँ पे आपके गेस्ट रुक सकते हैं, या आप अपने घर भी उन्हें होस्ट करते हो. तो शुरुआत बहुत छोटे लेवल से होती है, लेकिन वही बहुत सारे छोटे छोटे टास्क बन के एक बड़ा सा टास्क, बड़ा सा चीज़, बड़ा रिजल्ट देने लग जाता है. और जहाँ मैं इम्प्रूवमेंट की बात करूँ आप लोगों के स्किल्स में, अगेन आप लोगों की जर्नी आई थिंक -10 से स्टार्ट हुई थी और अभी ऑफकोर्स 10 से भी ऊपर है. सो मैंने खुद सबकी इम्प्रूवमेंट ऑब्जर्व करी है यहाँ पे वीडियो में भी और फोटो में भी. सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड आपका और काम देखने के लिए. हम ऑलरेडी कनेक्टेड हैं सोशल मीडिया के थ्रू, सो आई थिंक आपको इंटरनेट की पावर और ज़्यादा यूज़ करके चिकतन को ऊपर लेकर आना है. एंड नॉट टू फॉरगेट, इको इनिशिएटिव्स भी लेने हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स करनी है और चिकतन को एक सस्टेनेबल मैनर में डेवलप करना है. थैंक यू. खुदा करे कि कयामत हो और तू आए, हम इंतजार करेंगे तक कयामत तक. आपने आने की वादा किया, वादा निभाना तो हर किसी को जरूरी होता है, उम्मीद करता हूँ. तो यहाँ पर एक खातिम जो हुसैन खालू साहब के साथ तशरीफ़ आवारी है, तो सर झुका कर यूं ही आहें बराया ना करो, सर उठाओ तो कोई बात बने. कम से कम आपने हमारे शब्दों का लिहाज रखे, आप मुस्कुराए, इतना ही हमारे लिए काफी है, बहुत बहुत शुक्रिया. उसके बाद अख्तिताम में मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा खासकर मैडम नेहरिका का, जिन्होंने इतने वक्त जो है वक्फ कर दिया इन बच्चों के नाम, और बच्चों को बहुत सारी चीज़ें जिनके लिए इनको तड़पना पड़ता था, इनको तलाशना पड़ता था. अभी चंद दिनों के अंदर बहुत सारे चीज़ों के बारे में आपने जानकारी दी, इसका तहे दिल से शुक्रिया. बाकी वो नौजवान कुमार साहब और दूसरा मैडम जो है चली गई दो दिन के बाद, ऐसा लग रहा था हसीन सा सपना देखा और जल अति ठंडे पानी डालकर हमको नींद से जगाया. लेकिन अफसोस इस बात की है कि वक्त बहुत कम था, बातें बहुत ज़्यादा था, महफिल सजा हुआ था, लेकिन महफिल में गुनगुनाने वाली, नाचने वाली, बोलने वाली, कोयल जैसी आवाज़ रखने वाली बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन उनको उन आवाज़ों से नवाजने की कोई मोहलत ही ना मिला. मैं कोशिश करता हूँ ये बोलने की, खासकर बीडीसी साहिबा से और नोनो अमान अली खान साहब से और खासकर जनाब हुसैन अपने खालू साहब से, कि मेहरबानी आपके वसादत से टूरिज्म डिपार्टमेंट करगिल का खासकर आगा तोहा साहब, जिन्होंने बहुत कोशिश किया, अपने कीमती वक्त को यहाँ पर वक्फ किया और यहाँ की निगरानी किया, लेकिन सरकारी आदमी है, सरकारी ज़रूरी कामों की वजह से उनको वहाँ तशरीफ़ लेना पड़ा. हो सका तो और भी इससे भी बेहतर करके, इससे दुगना तिगना चौगना बेहतर करके हमारे बच्चों पर अपनी तवज्जो फरमाएं तो बेहतर होगा. और जब भी हम कोई प्रोग्राम हो जाए, मैं अपनी तरफ से, अपने आवाम की तरफ से इब्न खालू हुसैन साहब को दावत ही दावत है मेहरबानी, जब चाहे आप यहाँ तशरीफ ला सकते हैं, हम आपके लिए अपने पलके बिछा कर आपके मुंतजर रहेंगे. और आज तक बीडीसी साहिबा ने भी अपनी कीमती वक्त को वक्फ किया है और यहाँ पर इन बच्चों के लिए जी जान कोशिश करके ऐसे अच्छे प्रोग्राम रखने के लिए आपका भी तहे दिल से शुक्रिया. और अभी यहाँ पर
प्रेसिडेंट नूर अमन अली खान साहब का भी तहे दिल से मशकूर करता हूँ कि आपने भी बहुत सारे तवज्जो देकर इन बच्चों को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया। और यहाँ पर हमारा मोहल्ले का 5 अलहाज गुलाम अब्बास साहब भी यहाँ पर उपस्थित है, उनका भी तहे दिल से मशकूर हूँ। और इसी के साथ ही यहाँ आज तक जितने भी काम किए हैं और जिन जिन बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया है उनको छोटा सा सर्टिफिकेट बतौर इनाम रखे हुए हैं, वो शायद बीडीसी साहिबा के हाथों इन बच्चों तक पहुंचाना है। तो अमन अली खान साहब आप तशरीफ लाएं और इन प्राइज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए मैडम साहिबा के हाथों से। मुबारक नूनो अमीर खान, बहुत बहुत मुबारक हो। नूर जहां बानू, नमो फातिमा सोहरा, नमो जाकिया बानू, नमो फातिमा जहरा, शहनाज फातिमा, सईदा बतूल, अली अकबर खान, शुक्रिया मैम आप मेरे का मैम तशरीफ लाए। उत्सल गुरमेल, बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। इफ्तिखार हुसैन, अहमद अली, नमो जामिला बानो, काबिल से काबिल करीम लड़की, बहुत ही अच्छा है। सुगरा फातिमा, सरफराज हुसैन, नमो हाजिरा बानू, मोहम्मद इकबाल, सादिक अली, आशिक हुसैन, महमूदाबाद, नमो मर्जिया बानू, बहुत ही अच्छा खिदमत किया है इस प्रोग्राम में, तो उसी के साथ इसको ये सर्टिफिकेट दिया जाता है, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी बात, देखने में बहुत ही छोटा सा एक नजराना आपकी खिदमत में है नायरिका मैम को, तो जहां तक हो सके ये नजराना आप कबूल करें। हमारे कमेटी की जानिब से, इन बच्चे और बच्चियों की जानिब से वादा वफा नहीं कर पाया जो पहले आपके साथ वादा किया था, लेकिन फिर भी ये छोटा सा तोहफा आप कबूल करें। चंदन घर पे खत्म नहीं है, वो मैडम मेरे का खत्म करें। यार वो दिन दी लोटू को नेता से कमिम सी ने छंगे छोड़ना दी छू चार पांच पकवान खुले नमो नेहरे का बानो। इधर आओ ना, नहीं हमें
शुक्रिया शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे कारगिल टुडे लद्दाख से कुछ और अपडेट्स के साथ। मैं हुसैन खालू आपकी खिदमत में हाजिर। जिस तरह आपको बखूबी इल्म है कि टूरिज़म के हवाले से अगर हम कहे जाए तो इससे पहले भी काफ़ी इनिशिएटिव्स डायरेक्टरेट ऑफ टूरिज़म टूरिज़म डिपार्टमेंट के हवाले से खित्ते लद्दाख में एप्रोगेशन के बाद फुल फ्लेज लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद काफ़ी अब हमें देखने को मिल रहे इनिशिएटिव, अच्छे अच्छे इनिशिएटिव टूरिज्म द्वारा हमें देखने को मिल रहे। सिमिलरली विंटर में विंटर कंक्लूड, फिर फेस्टिवल, फिर एप्रिकॉट ब्लॉसम। उसके अलावा भी अब आज हमारी टीम जो है शकर चिकन इलाका आए हुए हैं, जिसमें टूरिज़म डिपार्टमेंट द्वारा एक फ़ोटोग्राफी वर्कशॉप यहाँ इनकाद की गई है, जिसमें मैम निहारिका जो है वो दिल्ली से आई है। मैम निहारिका एक रिनोव्ड व्लॉगर और साथ ही साथ एक फिल्म मेकर भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो पूरे मीडिया फ्रेटर्निटी की जानिब से आपको थैंक्स कहता हूँ मैम, अपने इस तरह के इनिशिएटिव लेके यहाँ दूर दराज इलाके में आए और हमारे बच्चों को फोटोग्राफी आपने सिखाया। तो थोड़ा बहुत फोटोग्राफी वर्कशॉप रिलेटेड थोड़ा बहुत हमारे व्यूवर्स को शेयर करोगे कि कितना पोटेंशियल है हमारे बच्चों में, हमारे स्टूडेंट्स में? तो मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री से काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हूँ और डॉक्यूमेंटेशन जिसमें फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी दोनों आती है वो टूरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब तक आप लोगों को अपना एरिया नहीं दिखाओगे तो बाहर के लोगों को पता कैसे चलेगा कि ओ यहाँ पे कुछ नया है, जैसे चिकतन में कुछ नया है, जैसे मुझे नहीं पता था जबकि मैं चिकतन पहले 2 बार आई हुई हूँ। तो इसका वर्कशॉप का यही मतलब था कि हमें पहले तो इनको अपना स्किल देना है। स्किल खुद का तभी बढ़ता है जब आप उसको शेयर करते हो। तो पहले तो मैंने यहाँ पे अपना स्किल शेयर करा इन लोगों से। अब इन लोगों के पास ये स्किल आ गया है, उस स्किल का बेसिक्स इन लोगों के पास आ गया है, वो बेसिक्स इन लोगों को एडवांस लेवल पे पहुँच के चिकतन का कोना कोना इनको एक्सप्लोर करना है। इन लोगों को काफ़ी कुछ पता है चिकतन के बारे में, कोई किसी पंचायत से है, कोई किसी पंचायत से है, तो हम किसी को दूसरे की पंचायत के बारे में नहीं पता। तो यहाँ पे लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे कि मेरी पंचायत में ऐसा कुछ है, मेरी पंचायत में ऐसा कुछ है देखने को। तो वर्कशॉप में इंटरेक्शन भी हुआ, नई नई जगहों के बारे में पता चला कि रज़िखार के अलावा यहाँ पे बहुत कुछ है देखने को। बस मतलब है कि एक्सप्लोर करो और एक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के माध्यम से एक डायरेक्ट्री बन जाए, जो विजुअल डायरेक्ट्री जो टूरिस्ट को अट्रैक्ट करे यहाँ पे आगे। और दूसरी जो वर्कशॉप हुई थी होम स्टेज पर, उसका माध्यम था कि हम यहाँ पे जो होम स्टे ओनर्स हैं या जो एस्पायरिंग होम स्टे ओनर्स हैं उनको एक तरह से ट्रेन कर पाएं कम्युनिटी टूरिज्म में और कैसे होम स्टे को रखना है, कैसे गेस्ट के साथ बिहेव करना है। तो दोनों ही वर्कशॉप आपस में इंटरलिंक थी एंड आई होप कि इन लोगों को काफ़ी कुछ उससे सीखने को मिला होगा। तो टोटल कितने स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट किए? आपकी फोटोग्राफी वर्कशॉप में हमारे पास 35 के बीच में 40 स्टूडेंट्स थे और होम स्टे की वर्कशॉप में भी हमारे पास 40 स्टूडेंट्स रहे। तो काफ़ी अच्छा पार्टिसिपेशन था यहाँ पे लोकल लोगों का एंड थोड़ा कम पता चला, इन्फॉर्मेशन थोड़ी कम थी, लेकिन आई होप नेक्स्ट टाइम से हम इसको और बड़े लेवल पे कर पाए। निहारिका, आप इसे किस तरह देखते हो, इस टाइप के वर्कशॉप, इस टाइप के अवेयरनेस प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में खित्ते लद्दाख के बिलखसूस कारगिल जो है अब उभरते आ रहे हैं टूरिज्म के हवाले से यूनियन टेरेटरी बनने के बाद, एप्लीकेशन के बाद ले तो माशाल्लाह ऑलरेडी टूरिज्म में काफ़ी पॉपुलर है, अब कारगिल भी आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, तो ऐसे प्रोग्राम्स कितने मायने रखते हैं कारगिल को आगे बढ़ाने? ले को आगे बढ़ाने में इन इनिशिएटिव्स का बहुत बड़ा हाथ रहा है। अभी भी ले में बहुत सारे फेस्टिवल्स हो रहे हैं एंड आई फील कि कारगिल में सेम लेवल पे ये फेस्टिवल्स या वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए, क्योंकि एक्सपोजर बहुत मैटर करता है। मुझे एक्सपोजर मिला ट्रैवल के थ्रू तो मैं आपको कुछ सिखा पा रही हूँ, आप लोगों को एक्सपोजर मिलेगा तो आप आगे अपने लिए कुछ कर पाओगे और बाकी लोगों के लिए भी कुछ कर पाओगे, मोस्ट इंपॉर्टेंटली कारगिल के लिए कुछ कर पाओगे। सो टूरिज्म से भी बहुत मेरा रिक्वेस्ट है कि और बड़े लेवल पे कुछ प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए यहाँ पे एंड अलग अलग चीफ गेस्ट, अलग अलग पर्सनालिटीज, अलग अलग एक्सपर्ट्स को इनवाइट करते रहना चाहिए। जी, तो आखिरी सवाल होगा निहारिका, जिस तरह आपने बताया कि टूरिज्म में भी कारगिल अब उभरते हुए आ रहा है और चलते चलते जो ऑर्गेनाइज़र थे यूटी लद्दाख टूरिज्म में, साथ ही साथ यहाँ के लोकल एक ऑर्गेनाइजेशन भी इसमें कोलाब्रेशन में जो है फोटोग्राफी वर्कशॉप चला रहे थे, तो लास्ट में आप किस तरह इन्हें थैंक्स करोगे और हमारे लाइव नशरियात देखने वाले को आपकी तरफ से क्या, आपकी तरफ से कोई फ्रूटफुल मैसेज? मैं थैंक्स यहाँ के लोकल लोगों को करना चाहती हूँ, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। स्पेशल थैंक्स टू अमन अली सर जो उन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट करा चिकतन में कि आप आओ करो फोटोग्राफी, देखना बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड मैं चाहती हूँ कि जो मैंने आपको सिखाया प्लीज़ आप इसे यहाँ मत छोड़ना, इसको आप और सीख सकते हो आगे यूट्यूब के थ्रू और बाकी प्लेटफॉर्म्स के थ्रू। एंड बस चिकतन को मैप पे लाना है, सो वील कीप कमिंग हियर एंड और भी यहाँ पे काम करना है आगे। एक क्वेश्चन बोल गया था आपकी तरफ से, आप एक फिल्म मेकर
भी हो, व्लॉगर भी हो, आप दुनिया घूमते रहते हैं, तो हमारे जस्ट सजेशन यूटी टूरिज्म को, साथ साथ कारगिल टूरिज्म को अगर कोई स्पेशल सजेशन हो आपके जाने। कारगिल टूरिज्म को मेरा सजेशन ये है कि एक होता है ना कि हमें पता है कि हमारे पास एक बड़ा सारा ट्रेजर पड़ा है लैंडस्केप का, लेकिन वो ट्रेजर ना कई बार लोगों तक पहुंच नहीं पाता। तो उस ट्रेजर को सही मायने में लोगों तक पहुंचाने के लिए हमें थोड़ा काम करना पड़ता है। वो काम हम किस माध्यम से कर सकते हैं? वो काम हम वीडियोस के थ्रू, वो काम हम एक्सपर्ट्स को बुला के, मीडिया पर्सनालिटीज़ को बुला के, और उन ऑलरेडी हमारे पास जो जगहें हैं वहाँ पे उसको, उसका मैप बना के, उसके पैम्पलेट्स बना के, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स को और ग्रो करके हम ये सब चीज़ें आगे पहुँचा सकते हैं। सो मेहनत बहुत लगेगी, लेकिन बहुत ही मज़ा भी आएगा जब कारगिल भी हमारा आगे और बढ़ जाएगा टूरिज्म के मामले में। तो सबसे पहले आप ना नाम बताओगे, फिर फर्दर मैं आपसे सवाल। जी, मेरा नाम आशिक हुसैन है और मैं हकनीज विलेज से यहाँ पे आया हूँ। हकनीज विलेज चिकन इलाके से आप बिलोंग करते हो, तो जो फोटोग्राफी वर्कशॉप जो टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा आज की गई, इसमें आप लोगों ने क्या क्या सीखा और आप लोगों को इसमें क्या क्या एक्सपोजर मिले इस 4 रोज़ा फोटोग्राफी वर्कशॉप? जी सर, तो एक नोटिस के जरिए हमें पता चला कि यहाँ पे टूरिज्म जो सेक्टर है उसमें काफ़ी चीज़ें यहाँ पे वर्कशॉप के थ्रू सिखाया जाएगा। तो मैंने उसी टाइम जब मैंने सुना तो मैं अपना जो है नाम सबमिट करने आया, तो यहाँ पे वर्कशॉप अटेंड किया। फ़ोटो तो हम मतलब सारे एज, जितने भी एज ग्रुप के लोग हैं सारे खींचते हैं, लेकिन फ़ोटो कैसे खींचना है, कौन सी जगह पे कौन सा वाला जो मतलब अपर्चर कंसेप्ट, उसमें बहुत सारा कंसेप्ट आता है, तो वो इस वर्कशॉप में निहारिका मैम ने सिखाया और डिटेलली बहुत एडिटिंग के साथ, जो कि एडिटिंग एक और बहुत बड़ा कोर्स है, वो भी इन्होंने बहुत ब्रीफली हमें सिखाया कौन सा ऐप है, कौन सा उसमें मतलब कितने उसमें अपर्चर यूज़ करना है, कौन से एंगल, कौन सा सारा जो चीज़ है इस वर्कशॉप के थ्रू हमें पता चला। और इनका जो करियर था वो बहुत ही अच्छा करियर है, तो हमने ये भी यहाँ से इंस्पिरेशन लिया कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी एक जो है करियर भी बन सकता है हमारा, जो कि हमारे मतलब माइंड में शायद मेरी तरह सबका नहीं था कि ये करियर बन सकता है। तो हमने यहाँ से ये इंस्पायर किया कि हम इसको एज ए करियर जो है परस्यू कर सकते हैं। जी नोनो, अपना नाम और अपना एक्सपीरियंस शेयर करोगे इस 4 दिन के वर्कशॉप नाम में क्या क्या सीखना है? जुले, मेरा नाम उत्सल गिरमेद है और मैं कुकर से हूँ। हाँ जी, इस 4 दिन 5 दिन के वर्कशॉप में हमें 2 दिन का वर्कशॉप था कि हॉस्पिटलिटी और कम्युनिटी लेवल पे हमें कैसे इस टूरिज्म को कैसे प्रमोट करें, हम यही वर्कशॉप इस पे था कि टूरिज्म के टूरिज्म इनिशिएटिव पे था। तो 3 दिन बाकी का 3 दिन था कि फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे था सर। तो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी आपको पहले से बचपन से शौक था सीखना? फोटोग्राफी का तो था मगर उतना मालूम नहीं था। इसमें फोटोग्राफी में होता है कुछ रूल होता है, पहले हमें यह सब मालूम नहीं था। अभी मैम के सिखाने के बाद हमें कुछ इनके बारे में कुछ सीखने को मिला। अभी आगे जाके हम भी यही अपना एरिया के जो भी हिस्टोरिक प्लेसेस हो या सीक्रेट प्लेसेस हो, ट्रेडिशनल या कि कल्चरल कोई भी फेस्टिवल हो, हम उसको अभी हम इसको कैप्चर करके हम सोशल मीडिया पे डाल के अपने एरिया को टूरिज्म के इसमें प्रमोट कर सकते हैं सर। फोटोग्राफी के दौरान सिर्फ मोबाइल फोटोग्राफी सीखी कि या DSLR पे भी सिखा रहे थे और एडिटिंग वगैरह कौन कौन सा सॉफ्टवेयर फोटोग्राफी एडिट के लिए यूज़ होता है वो सब सीखा कहीं आपने? ये वर्कशॉप में हमें कैमरा का वो फैसिलिटी नहीं था, मैम के पास ही था, इसलिए हमें मोबाइल पे ही सिखाया गया। मोबाइल पे कुछ ऐप होते उसको हम डाउनलोड करके उससे भी सिखाया, वीडियो और फोटोग्राफी। तो आखिर में चलते चलते आप किस तरह टूरिज्म डिपार्टमेंट को साथ ही साथ निहारिका जो दिल्ली से आई हुई है, प्रोफेशनल है, एक व्लॉगर भी है, तो किस तरह आप इन्हें थैंक्स करना चाहते हो? एट लास्ट मैं अपना ये लद्दाख टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल और शकर चिकतान डिपार्टमेंट टूरिज्म डिप्लोमेंट कमेटी को दोनों को शुक्रिया थैंक्स कहना चाहूँगा, और साथ ही साथ हम अपना सर कुमार और पश्मिता मैम, निहारिका मैम, सभी को मैं थैंक कहना चाहूँगा हमें ये अपना कीमती वक्त दे के ये सब ये वर्कशॉप चलाने में। सबसे पहले आप अपना नाम और आप किस इलाके से, किस ब्लॉक से?
मेरा नाम जमीला बानो है, मैं खरदुन चिकतन के खरदुन इलाके से बिलोंग करती हूँ। तीन रोज़ा चार रोज़ा फोटोग्राफी वर्कशॉप हुए यहाँ, निहारिका मैम ने आप लोगों को सिखाया, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा है आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कर सकते हैं? जी एक्चुअली मुझे टूरिज्म में इतना इंटरेस्ट नहीं था और फोटोग्राफी भी उतना, बट इनके क्लासेस लेने के बाद अभी मुझे मतलब बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट आने लगा है। एंड इन्होंने जो भी सिखाया इंशाल्लाह मैं अपने आने वाले लोगों को भी और जितने भी मेरे नॉन है उनको मैं पास ऑन करूँगी। और निहारिका मैम को ये कम्प्लीमेंट होगा कि जिस बंदे को बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है उनको भी आपने इतने अच्छे तरह से उसमें इंटरेस्ट दिलाया, इसलिए मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। प्लस यहाँ के यूटी कारगिल के जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है, प्लस यहाँ के कमिटी लेवल पर जो टूरिज़्म के लिए जितने भी काम कर रहे हैं उन सबको मैं चाहे दिल से मतलब धन्यवाद करना चाहती हूँ, और आपको भी कि आप यहाँ आए और हमारे इस वर्कशॉप को कवर किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू टू। जिस तरह मैंने आपको पहले वजाहत की कि एप्रोगेशन के बाद लद्दाख फुल फ्लेश्ड यूनियन टेरिटरी बनने के बाद अब टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है, यूटी टूरिज्म जो है, काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं खत्ते लद्दाख में, बिलखसूस ले और कारगिल डिस्ट्रिक्ट के हवाले से अगर हम बात करें तो आज इसी सिलसिले में हमारी पूरी टीम इलाके में पहुंचे हुए, जिसमें एक फोटोग्राफी वर्कशॉप जिसमें चल रहे वर्कशॉप ऑन हॉस्पिटैलिटी कम्युनिटी टूरिज्म फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी के हवाले से, जिसका ऑर्गेनाइज जो है टूरिज्म डिपार्टमेंट इन कोलाब्रेशन विद शक्कर चिकतन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी जो है ये फोटोग्राफी वर्कशॉप जो है वो कंडक्ट कर रहे हैं। और इसमें तकरीबन उनके कहने के मुताबिक पार्टिसिपेंट जो है वो तकरीबन 30 से अबव पार्टिसिपेंट्स इसमें रहे हैं, और पूरे शक्कर चिकतन इलाके से इसमें स्टूडेंट्स ने इसमें पार्टिसिपेट की है। और आपको ये भी बताते चलूँ कि इनॉग्रल डे पे इसी हेल्थ मोहसिन अली के साथ साथ एडी टूरिज्म और एसडीएम शक्कर चिकतन जो है इस फोटो वर्कशॉप के इनॉग्रेशन के मौके पर वो लोग मौजूद थे। इसी फोटोग्राफी वर्कशॉप के हवाले से ज़्यादा जानकारी के लिए मेरे साथ अमान अली साहब मेरे साथ जुड़ेंगे, विंटर स्पोर्ट एक्सपर्ट भी है, आइस स्केटिंग एक्सपर्ट भी है, तो फोटोग्राफी वर्कशॉप कंडक्ट करने में अमन अली साहब का काफ़ी इसमें हाथ रहा है। और फोटोग्राफी एक्सपर्ट के तौर पर दिल्ली से निहारिका जो एक रिनोट व्लॉगर और फिल्म मेकर भी, उन्हें बुलाया गया था इस वर्कशॉप में। अमन साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे, आप लोगों ने फोटोग्राफी वर्कशॉप यहाँ ऑर्गेनाइज़ की है, एक बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है। अगर डिस्ट्रिक्ट कारगिल के हवाले से बात करें, शक्कर चिकतन के हवाले से बात करें, काफ़ी शौक है हमारे बच्चों में फोटोग्राफी सीखने का, एडिटिंग सीखने का, तो थोड़ा बहुत ब्रीफ करोगे वर्कशॉप को लेकर? शुक्रिया सर। फिर तो सबसे पहले तो मैं कारगिल टुडे का मेम्बर्स, खासकर आप खलू हुसैन खलू साहब का बहुत मशकूर और आभारी हूँ। वैसे भी आपका एहसान मानूँ कि कई सालों से आप हमारा साथ दे रहे हैं। मीडिया तो डेवलपमेंट के लिहाज से रीढ़ का हड्डी है, मीडिया तो सब कुछ है, मीडिया ने तो कुछ नहीं। आज आप ने शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ लाया और इसको हाईलाइट करने के लिए हम तशरीफ लाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत मशहूर शुक्रिया हूँ। और ये वर्कशॉप इसको कंडक्ट करने का मकसद ये था कि शक्कर चिकतन टूरिज़म के लिहाज से, कल्चर के लिहाज से लद्दाख का एक खजाना के नाम से कहा जाता है और यहाँ पर, लेकिन बदकस्मत कुछ साल पहले शक्कर चिकतन रेस्ट्रिक्टेड एरिया था, तो जोरा साहब यहाँ पर टूरिज़म का मिनिस्टर था उस समय, हमने उनको अप्रोच किया था। हमारे क्लब है कारगिल आयोजन सोनो स्पोर्ट क्लब, डिस्ट्रिक्ट लेवल क्लब है, तो वहाँ हम टूरिस्ट को यहाँ ला रहे थे, हमें बहुत दिक्कत आते कि यहाँ पर इन्होंने परमिट अलाउड ना होने के कारण, तो हमने जोरा साहब को दो तीन बार हमने डेलीगेशन ले लिया, तो इसके बाद जोरा साहब ने इसको यहाँ पर इन्होंने परमिट बेसिस पर इसको एरिया को खोल दिया। खोलने के बाद हम यहाँ आज की तकरीबन 1977-78 से चला रहे यहाँ पर, आज बहुत पॉपुलर है। और इसी की बदौलत आज कारगिल के हर ब्लॉक में आज की रिंग है, 25 रिंग है होल ऑफ कारगिल में डिस्ट्रिक्ट में, और यहाँ की खासकर यहाँ की मतलब पारियो एरिया चिकन एरिया के बच्चे जो इंडिया का प्लेयर्स भी हैं, इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे आपने अभी देखा अलियनर इंडिया का वाइस कैप्टन है, और उनकी मदद से भी हम टूरिज्म को बढ़ावा देते थे। लेकिन इसके बावजूद भी हम टूरिज्म को बढ़ावा नहीं दे पाया, तो हमने क्या किया, शक्कर चिकतन की जितना भी हम रिप्रेजेंटेटिव था ग्रेस रूट लेवल पर, यानी कि पंचायत से लेकर कौंसलर तक, हमने सब मिलजुल एकजुट होकर यहाँ पर एक पॉलिटिक्स को साइड में रखकर हमने एक कमेटी फ्रेम किया, जिसके चेयरमैन यहाँ के बी डी सी है और यहाँ का मेम्बर थे, बाकी कौंसलर
पाँच सरपंच, उसके अलावा जो वॉलंटियर्स एन जी ओज है वो लोग भी इसमें शामिल कर हो जाएगा। और जो पंच हुआ या सरपंच हुआ या बी डी सी या काउंसिलर कोई भी हो जो अपने कैडर के दौरान वो ऑटोमेटिकली उसमें वो रहेगा। तो अब आपके एक ऑर्गेनाइजेशन भी है सर जो विंटर स्पोर्ट्स वगैरह आप लोग ऑर्गेनाइज करते, तो आने वाले 2021-22 का क्या क्या अपकमिंग प्लान्स प्रोजेक्ट्स वगैरह? राइट सर, तो इसकी बावजूद भी हमें टूरिज्म इतना डेवलप नहीं हो पाया तो हमने महसूस किया क्यों ना हम सब ने डिस्कस किया क्यों ना हम एक कमेटी बनाए ताकि इसमें कोई सियासत न घुसे। तो हमने जितना भी पॉलिटिकल लीडर था, शिक्षक चिंतन का रेजिडेंट था, सरपंच पांच काउंसलर सब मिलकर हमने एक कमेटी बनाया, इसका नाम है कम्युनिटी शिक्षक चिंतन टूरिज्म टूरिज्म कमेटी। रखा कमेटी इसलिए रखा था कि इसमें नौकरी वाला भी हिस्सा ले सके, नहीं अदरवाइज एसोसिएशन में आप हिस्सा नहीं ले सकते। और ये कमेटी इस टाइप से बनाया कि 100 साल को ध्यान में रखकर हमने बनाया ताकि इसमें जो काउंसलर हो चाहे बी डी सी हो कोई भी हो ये नहीं बोल सकता ये मैं इसका मेंबर हूँ मैं यहाँ रहूँगा, नहीं, जितना उसका टेन्योर है 4-5 साल उतने रहेगा, इसके बाद जीत के आएगा तो दोबारा रह सकते, अदरवाइज ऑटोमेटिक जो जीत के आएगा वो इसमें रहेगा सर। लेकिन इसके बावजूद भी हम इसको डेवलप इतना नहीं कर सका, अट्रैक्ट नहीं कर सकते, तो हमने क्या सोचा क्यों ना हम यूथ को भी हम अपने साथ इन्वॉल्व करें। मुझे बहुत अच्छा लगा आपके करगिल टुडे के फेसबुक पर पेज पर भी जो ना जैसे निहारिका वो कर रहे थे फोटोग्राफी कर रहे थे हाईलाइट कर रहे थे करगिल का और भी उसका पेज था, उस हिसाब से मैं उनके साथ टच मिला मतलब अच्छा लगा, तो मैंने उनको मैसेज किया उनके साथ हमारा बातचीत हुआ, हम तो जबकि मैं जानता नहीं हूँ इस तरह से फॉरनर्स लोगों के साथ भी टच में रहते थे वैसे लाते थे, तो उसके साथ उनको सब टच में रहने के बाद हमने यहाँ पर कमेटी के थ्रू हमने पॉइंट टेकअप किया। और जो कच्छ महबूब साहब सेक्रेटरी टूरिज्म लद्दाख का कच्छ महबूब साहब ने भी काफ़ी इंटरेस्ट लिया और कच्छ साहब ने भी डायरेक्शन दिया कि इसको वर्कशॉप को चलाने के लिए आवत हुआ साहब को, तो हम कच्छ साहब का बहुत मशकूर हूँ। तो अमन साहब का बेहतरीन इनिशिएटिव आपने लिए है, मैंने आपको पहले भी वजाहत की, तो साथ ही साथ टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल और बाकी जो कोलाबरेट इसमें कर रहा है तो उनका कितना सपोर्ट रहा है स्पेशली अगर टूरिज्म डिपार्टमेंट के अंदर? राइट सर, कि ये जो ना इवेंट से 5 दिन का था सर 25 से 29 तक, इसी में वर्कशॉप था हॉस्पिटलिटी और कम्युनिटी टूरिज्म और फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी ये था सर, और साथ साथ जो ना आज क्लोजिंग सेरेमनी था, क्लोजिंग सेरेमनी दिन उसका ओपनिंग सेरेमनी था किसका ट्रेकिंग रूट का यहाँ पर सर मीनदुम और ये यमा हरबू से लेकर आर्यन वैली में ट्रेकिंग रूट खोला था, दो जगह पर ट्रेकिंग रूट खोला था, हाँ इन्वेशन भी था आज था सर। लेकिन बदकस्मत क्या हुआ कारगिल में जो दिल्ली से एडवेंचर टूरिज्म का वो ट्रूप आया तो अगर सब एंगेज रहा और सेक्रेटरी साहब भी फ्री नहीं हुआ, इसलिए हम इसका क्लोजिंग पोस्टपोन कर उसका ओपनिंग का पोस्टपोन कर दिया, इसका क्लोजिंग आज हो गया सर। तो उम्मीद है कल परसों तक ये उसका ट्रेकिंग रूट का ओपनिंग हो जाएगा और उम्मीद है कि उसमें अपना सेक्रेटरी साहब को इन्वाइट करने के लिए, अदरवाइज या सी साहब या एसी टूरिज्म साहब इनको इन्वाइट करने के लिए हमारा कुछ कोशिश भी सर थोड़ा डिसाइड भी हुआ है। आखिरी सवाल होगा अमन साहब चलते चलते लास्ट क्वेश्चन में आपको पुट करूंगा और टाइम भी काफ़ी वक्त हो गया सर, इंशाल्लाह इन फ्यूचर अगर रहा वक्त मिला तो फिर आपके साथ ढेर सारे हम सवाल करेंगे। चलते चलते आप किस तरह थैंक्स शुक्रिया अदा करोगे स्टूडेंट्स का, पार्टिसिपेंट्स का, निहारिका का, टूरिज्म का और बाकी जिसने भी आपको इसमें हेल्प की हो, जिसने भी मदद की हो, चलते चलते आपकी तरफ से पैगाम और आपकी तरफ से किस तरह की शुक्रिया अदा करोगे? सबसे पहले मैं तो कच्छ महबूब साहब सेक्रेटरी लद्दाख या टूरिज्म लद्दाख का शुक्रिया मतलब मशकूर हूँ सर, आभारी हूँ, और साथ साथ ए सी टूरिज्म साहब का, सी सी साहब का भी और अहतवा साहब का भी, डायरेक्टर टूरिज्म का भी, और साथ साथ हमारे यहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स और 5 सरपंच लोकल का सर, और उससे भी सबसे ज़्यादा अपने बच्चों का सर, हाँ सर बच्चों ने जहाँ मतलब इतना इंटरेस्ट दिया, कल मैंने उनको खास क्वेश्चन पूछा कि आप क्यों आया, तो क्यों आया किस मकसद से आया, तो बहुत अच्छे इंटरेस्ट ले रहे थे वो लोग, हाँ तो हमने एक ओके बहुत लिया कि हम सब मिलकर इसको एक सोशल मीडिया पर हम वो करें, हमने अभी पेज बनाया और हमने एक यहाँ पर एक वो भी बनाया सर ए जी एम साहब के उसमें सुपरविजन में हमने यहाँ पर एक टूरिज्म इको टूरिज्म सेंटर भी खोला सर, हाँ इको यहाँ एक चिकतन में इको टूरिज्म टूरिज्म सेंटर सर, उसमें हमारे एक म्यूजियम टाइप का बनेगा और ये वहाँ से एक टूरिज्म आएगा ट्रेवल एजेंसी के थ्रू और ये जो ने सेंटर से जो ना है वो डिस्ट्रीब्यूशन करेगा होम स्टे में सर, और आपने शायद सुना होगा इस साल 200 से ऊपर लोगों ने होम स्टे के लिए अप्लाई किया सर, तो उम्मीद है कि आने के लिए बहुत वो हो जाएगा
टूरिज्म अच्छी ग्रेट रूट पर बढ़ा हुआ जाएगा। साथ साथ मैं आपके माध्यम से मैं सबको मैं इसको मतलब थैंक यू बोलूँगा सर, खासकर बच्चों से ही बोलूँगा कि आप लोग अपना अपने एरिया के बारे में जो ना उसको थोड़ा हाईलाइट करें सर, ताकि हम आगे लड़ सके, आगे से हम उसको लड़ सके सर, टूरिज्म को तो अट्रैक्ट कर सके। हाँ इसके बाद इस तरह से ना हम तो टूरिस्ट को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए हम कई सालों से लद्दाख विंटर कार्निवल के चला रहे थे, और लास्ट ईयर से हम ये पंचायत के साथ मतलब उसके कमेटी के साथ मिलकर हम चलाते टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ चलाते टूरिज्म को अट्रैक्ट करने के लिए सर। तो फीचर इस साल हम ये हमारी कोशिश है लद्दाख विंटर कार्निवल चलाने के लिए हमने एक प्रोपोजल भेजा था सर, श्री साहब ने टूरिज्म डिपार्टमेंट को डायरेक्शन दिया था आवास साहब को इसको एनुअल कैलेंडर में ऐड करने के लिए, लेकिन मुझे मतलब अफसोस हुआ कि कल सेक्रेटरी साहब की उसमें स्टेटमेंट में द्रास संस्कार बाकी जगहों के लिए था, एक चिकन में नहीं था सर, और कल परसों हम वहाँ जाकर उनके साथ पॉइंट करेंगे। गवर्नमेंट चाहे पैसा दे या न दे, हम अपने लेवल पर कार्निवल को चलाएंगे, इसमें हम कोशिश करेंगे फॉरन से टीम यहाँ लाने के लिए सर, इसमें हम ताकि करगिल में टूरिस्ट और भी ज़्यादा बढ़ावा मिल सके सर। बहुत बहुत शुक्रिया था दर्शकों, हमारे साथ जुड़े थे अमान साहब और ब्रीफ कर रहे थे फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्कशॉप के हवाले से, जो मैंने आपको पहले भी वजाहत की कि टूरिज्म डिपार्टमेंट कारगिल और इन कोलाब्रेशन विद शकर चिकन टूरिज्म डेवलपमेंट कमेटी ऑर्गेनाइज कर रहे थे ये फोटोग्राफी वर्कशॉप, और ये फोटोग्राफी वर्कशॉप 25 अगस्त से 29 अगस्त तक ये फोटोग्राफी वर्कशॉप चला है, और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलो कि तकरीबन 30 से 40 पार्टिसिपेंट्स रहे हैं जिन्होंने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी और साथ ही साथ एडिटिंग का भी इन्होंने ये सीख ली है इस फोटोग्राफी वर्कशॉप में। तो आखिर में चलते चलते देश और खत्ते लद्दाख के साथ साथ देश और दुनिया के बाकी खबरों के लिए बने रहे कारगिल टुडे के साथ, मुझे दीजिए इजाजत, खुदा हाफिज़, जुलाई। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today. The only voice of Kargil Ladakh.